हाय गाइस, दिस इज जीआर एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। तो गाइस, काफ़ी डिमांडेड जॉब या काफ़ी टाइम से जो है लड़के लोगों का यही कॉल आ रहा था कि सर ये जॉब लेके आई है, ये जॉब बोले तो वही जॉब जो जिसके बारे में आज बता रहा हूँ मैं, पिकर्स एंड पैकर्स का काफ़ी डिमांडेड जॉब है, काफ़ी जो है डिमांड है इसकी। हिंदी वाले लड़कों लोगों के तो मतलब दिन में कितनी भी कॉल करेंगे बस इसी के बारे में पूछेंगे, सर पिकर्स एंड पैकर्स का जॉब है क्या? तो बस वही जॉब मैं आपको जो है बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जॉब बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि नई नई जॉब की अपडेट आप तक पहुँचे, और वीडियो लाइक कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लें ताकि उनको हेल्प मिल सके जॉब के बारे में। तो गाइस, जॉब है पिकर्स एंड पैकर्स, यस। अब मैं उसको आपको इंग्लिश में तो बताऊंगा तो आई थिंक मे बी जो है आपका कुछ कंफ्यूज होगा, इसलिए क्लियरली शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ आपको कि पैकिंग का काम और माल उठाने का काम, पिकर्स एंड पैकर्स, उसको मैं क्लियरली ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छे तरीके से हो। अब इसमें यह है कि पैकिंग का काम और आइटम उठाने का, माल उठाने का, लोडिंग करने का, अनलोडिंग करने का। अब वो कंपनी कौन सी है? स्विगी, बहुत ही अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, रेपुटेड कंपनी, ऑल ओवर इंडिया में जो है छाई हुई है ये स्विगी। नाम तो सुना होगा, जो फूड में जो है नंबर दो पे है या नंबर एक पे है, जोमेटो स्विगी दो ही जो चल रहा है फूड में। तो स्विगी का जो है, स्विगी का इंस्टामार्ट बोले तो स्विगी का ग्रोसरी जो है आइटम रहता है ना, ग्रोसरी दाल चावल वगैरह फूड को छोड़ के ग्रोसरी आइटम, वो ग्रोसरी आइटम डिलीवर्ड का रहता है, वो जो स्टोर्स रहता है उसको इंस्टामार्ट बोलते हैं, स्विगी इंस्टामार्ट। तो वही वेयर हाउस में काम रहता है लड़के लड़कों का। तो पिकर्स एंड पैकर्स में काम वो है कि आपको जो है लोडिंग अनलोडिंग, अब लोडिंग अनलोडिंग जो सामान बाहर से आता है उसको जो है अनलोड करना रहता है, और मेन गोडाउन से जो है अलग अलग स्टोर्स पर पहुंचाना, उसको लोड करना रहता है। इस काम के लिए अनपढ़ लोगों की ज़रूरत है, पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है इसमें जो है, योग्यता आपकी अनपढ़ है तो भी चलते हैं आपको। और सैलरी इसमें रहती है 14,000, यस मेरे भाई, स्टार्टिंग में जो है 14,000 रुपये आपको इसमें दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको रूम और खाने की फैसिलिटीज नहीं रहती है। इन हैंड का मतलब है कि आपको जो सैलरी 14,000 बोली जाती है वही सैलरी आपके अकाउंट में क्रिएट कर दी जाती है, इसमें से कुछ भी डिडक्शन नहीं होता है। 14,000 सैलरी रहती है, 8 hours ड्यूटी रहती है, 8 घंटा की ड्यूटी। अगर आप ओटी करना चाहते हैं तो ओटी का वो आपको अलग से पैसा देते हैं। 8 hours ड्यूटी रहती है, 14,000 सैलरी रहती है, और वीकली एक छुट्टी रहती है, और ESIPF रहता है। तो ये रहेगा कि जो है वो उन लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, वेयर हाउस में जो है माल आया, माल को अनलोड करवाया, खाली करवाया, उसमें जो है वापस लोड करवाया अलग अलग स्टोर पे पहुंचने के लिए, ये वेयर हाउस में काम। अब वहीं पे इंस्टामार्ट जो है छोटे छोटे स्टोर्स है वहाँ पर भी वैकेंसी चल रही है, वहाँ पर वैकेंसी है कि आपको जो है सामान निकाल के देना आता है। लड़के लोग बाहर ऑर्डर लेके खड़े रहते हैं, उनको ऑर्डर आता है जो उनको जो है एक 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 ऑर्डर रेडी करके देना रहता है, तो वो सामान निकालने का अंदर में स्टोर में घूम के ऑर्डर देख के फ़ोन से निकालने का रहता है, वही काम रहता है। उस काम के लिए आपको मिनिमम जो है 12th पास होना चाहिए, 12th पास इसमें मिनिमम होना चाहिए, उसको जो है लैंग्वेज कंपल्सरी कनाडा या फिर इंग्लिश आना ही चाहिए वेयर हाउस इनसाइड में काम करने वालों का। अगर आपको कनाडा नहीं आता तो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी आना चाहिए, या फिर कनाडा इंग्लिश कंपलसरी आना चाहिए, तो दो लैंग्वेज इसमें पर्टिकुलर चाहिए चाहिए रहता है। मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए इसमें। इसकी सैलरी जो है स्टार्टिंग में रहती है 15,000, 1,000 रुपये ज़्यादा रहती है, लेकिन जो मैं जो भी सैलरी बता रहा हूँ वो रियल रहती है, जनरल रहती है, और स्टार्टिंग सैलरी रहती है जो शुरुआत में मिलती है। आफ्टर देन आपके प्रोग्रेस के ऊपर कि आप कितना जल्दी प्रोग्रेस कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है सैलरी इंक्रीज होती है। तो वो एक बार आप इंटरव्यू में जाएंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि जो कंपनी कितने जो है 6 महीने में या साल में जो है आपके इंक्रीज सैलरी करती है।
ड्यूटी में इसमें सेम रहती है, 8 घंटा ड्यूटी रहती है, एसआईपीएफ की फैसिलिटी रहती है, प्लस जो है एक वीक ऑफ मिलती है कंपनी की तरफ से। तो गाइस इसमें भी रूम और फूड की फैसिलिटीज नहीं रहती हैं। तो गाइस अभी आपके सामने दो वैकेंसी है, दो पोस्ट है स्विगी में, स्विगी इंस्टामार्ट में। एक जो अनलोडिंग लोडिंग करने का काम, दूसरा जो है वेयर हाउस में सामान निकालने का काम। लड़के लोगों की जो है ऑल ओवर बैंगलोर में ज़रूरत रहती है। जिस जिस बंदे को कैंडिडेट जो है, जिस जिस बंदे को ये जॉब रिक्वायरमेंट है, वो बंदा वेयर हाउस वाला अपना रेज्यूम सेंड करे और लोडिंग अनलोडिंग वाला अपना जो है आधार कार्ड सेंड करे। तो फ्रेंड्स एक और अच्छी जॉब, एक और अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए है। कोई भी बंदा आना चाहता है, करना चाहता है, ज्वाइन हो सकता है। इमीडिएट ज्वाइनिंग रहती है, नो एनी चार्जेस के साथ। किसी भी टाइम आपका जो है टाइप के साथ आपका से चार्ज नहीं लिया जाता है। जीरो प्रोसेसिंग फीस रहती है। ज्वाइनिंग के नाम पे, फॉर्म के नाम से आपसे भी एक लूप में नहीं लिया जाता है, हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।